कि हमारा जो स्टाफ है वो यहाँ लाया जाए, बहाल किया जाए हमारा कॉलेज, ताकि हमारा कैरियर बच जाए, हमारा कैरियर ख़राब ना हो जाए। हम पीजी एमए उर्दू, एमए इस्लामिक स्टडीज़ और एमए इंग्लिश के, हमारा थर्ड सेम चल रहा है। अगर हमारा ये सेम नहीं हुआ तो हमारा डेढ़ साल दो साल ज़ाया हो जाएगा। इसीलिए हम अब गुजारिश कर रहे हैं कि हमारा वो स्टाफ वो वापस लाया जाए। हम टोटल लगभग 50 स्टूडेंट हैं, 50-60 स्टूडेंट हैं। हम रोज़ कॉलेज जाते हैं, हमें 500-600 किराया लगते हैं, जबकि वो ज़ाया हो जाते हैं। हम कॉलेज जाके वहाँ पे कोई भी स्टाफ नहीं है, कोई भी मेंबर नहीं है, हम बस बैठे रहते हैं वहाँ पे। हमें बस यही बोला जाता है कि आप हफ्ता वेट करो, आप दो हफ्ते वेट करो, आपका स्टाफ लाया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है वहाँ पर, सब हमें तमाशा देख रहे हैं, बस हमारे कैरियर के साथ खेला जा रहा है। मानो आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज वुमेन, मौलाना आर्ट्स, मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी जो है उसी का कॉलेज खोला गया है, मानो आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज वुमेन बड़गाम। वहाँ पे बोल रहे हैं कि जो हमारे प्रिंसिपल साहब थे पहले, गजनफर सर थे, वहाँ पे हमें बोला गया कि आप हैदराबाद, जिसको पढ़ना है वो हैदराबाद आ जाए। हम क्यों हैदराबाद जाएंगे? हमने तो श्रीनगर कैंपस में लिया है एडमिशन। हमारी हैसियत ही नहीं है, हम जा सकते हैं, दूसरा स्टूडेंट जा सकते हैं, लेकिन सबकी हैसियत एक जैसी नहीं होती है। क्यों जाएँगे हम हैदराबाद? हमने यहाँ पर एडमिशन लिया है। तो इसीलिए हम गुजारिश कर रहे हैं कि हमारा स्टाफ लाया जाए यहाँ पे, ताकि हमारा कैरियर बढ़ जाए और हमारे एग्ज़ाम टाइम पे हो जाए।